देख रेशन स्टेटस किसको कहते हैं भाई, तो रेशन स्टेटस कितने तरीके के होंगे, तुम्हारे तीन तरीके के होंगे, का तो वो आर ओ आई होगा बरोबर, अगर आर ओ आई हो तो आगे जाके हम लोग चेक करेंगे कि रेशन ऑर्डिनरी सेंडे का कि रेशन ने नॉट ऑर्डिनरी सेंडे का, अगर इन आर आई हो सकता है बरोबर। रेशन स्टेटस किसको कहते, देख अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ द कंट्री विथ सर्टेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ लीगल स्टेटस। सिटीजनशिप क्या आएगा, एक लीगल स्टेटस है। नेशनलिटी क्या आएगा, एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन और कंट्री बाय बर्थ। अगर तुम कहाँ पे बॉर्न हुए हो ना, तो वहाँ की क्या होगी, तुम्हारे पास नेशनलिटी होगी, उसको बोलते हैं नेशनलिटी। ने सिटीजनशिप किसको कहते हैं, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम कौन होगे, सिटीजनशिप होगी तुम्हारे पास। देख रेशन स्टेटस है इंडिविजुअल का है, कंपनी का है, एच यू एफ का है बरोबर, जिसके अंदर फिर कौन आता है, फर्म, LLP, एसोसिएटेड पर्सन, ने एवरी अदर पर्सन, चार पार्ट में डिवाइड करा, इंडिविजुअल बरोबर है। तो इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन है क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन रहना चाहिए, अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन ना रहे तो उसके पहले वाले चार सालों में, प्रीवियस ईयर के पहले वाले चार साल, ठीक है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहना चाहिए, अगर 182 दिन प्रीवियस ईयर में नहीं रहता है तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके पहले वाले चार सालों में, प्रीवियस ईयर के पहले वाले चार सालों में 365 दिन इंडिया में रहना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हो जाता है ROI। अगर ROI होवे तो 80 कंडीशन लेने की, अगर दोनों दो में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो हो जाएगा INR। नोट लिख के INR लिख के सब खत्म कर देने का, सही है बरोबर है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन नहीं लगती, सबसे पहले अगर वो प्रीवियस ईयर के अंदर जॉब करने के लिए गया तो सेकंड नंबर, अगर वो क्रू मेंबर है और जॉब करने के लिए गया तो प्रीवियस ईयर में, थर्ड नंबर अगर वो इंडियन ओरिजिन है, इसका मतलब कि उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स या वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब 1947 के पहले इंडिया में बोर्न हुआ है, अब इंडिया में बोर्न हुआ हो मतलब 1947 के पहले इंडिया पाकिस्तान सब एक था, तुम्हारो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि भाई 1932 के अंदर इसके जो ग्रैंड फादर है वो क्या हुए थे, भाई लाहौर के अंदर पाकिस्तान में बोर्न हुए थे, तो तुम क्या सोचोगे कि भाई 1932 अपने को तो क्या बोला था, अनडिवाइडेड इंडिया 1947 के पहले इंडिया में बोर्न होना चाहिए, ये तो पाकिस्तान में बोर्न होता है, तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन ना लगा। बट यहाँ पे सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन लगी, क्यों, कि बिफोर 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर अ सेम कंट्री बरोबर, वो वाले टाइम पे अनडिवाइडेड नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ था तो अनडिवाइडेड था इंडिया, सही है ना बरोबर। बहुत सब क्वेश्चन उसके ऊपर भी पूछे गएगा। देख स्पेशल सिचुएशन दिएगी, स्पेशल सिचुएशन मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन जहाँ पे सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन नहीं लगी, इसके बारे में आपने देख लिया ना, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर बरोबर, ने इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया, इंडियन ओरिजिन बोला ना, इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपने देखी। देख एग्जाम्पल दिया है बरोबर है, ये एग्जाम्पल वगैरह सब हम लोग ने सोल्व किए, तुम लोग ने खुद ने सोल्व किएगा, एक बार रिकॉल मारोगे सब चीज़ आती हो जाएगी, टेक्स्ट तो तुम्हारा पक्का आएगा, यूनिट नंबर 1 तो एकदम तुम्हारा पक्का है। देख अगर सपोज समझ ले कि वो ROI होता है तो 80 कंडीशन देखेंगे, 80 कंडीशन क्या आएगी, तो भाई 2 साल 10 साल में 2 साल इंडिया में ने 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए। देख बेसिक कंडीशन में दोनों में सी एक का सेटिस्फाई होना जरूरी है, यहाँ पे दोनों दो का सेटिस्फाई होना जरूरी है भाई, अगर दोनों दो में से कोई एक सेटिस्फाई होगी एक नहीं होगी तो भी RBNOR हो जाएगा बरोबर। सर बड़ी दोनों एडिशनल कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है बरोबर, अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, RBNOR होगा बरोबर। सर बड़ी ये सब चीज़ आप लोग ने क्या किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है का।
यूनिट नंबर वन के अंदर इसके टाइप के सब तरीके के सम देखे थे हम लोगों ने। उसके साथ साथ एचयूएफ की क्या कंडीशन है, तो एचयूएफ में क्या करने का कि भाई उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होता है कि नहीं होता, थोड़ा या पूरा, तो क्या होगा आरओआई। अगर पूरे का पूरा बार हो तो एनआरआई हो जाए, तो हमें तो एडीसर कंडीशन नहीं देखने की। खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के अंदर एडीसर कंडीशन लगे, बाकी कोई में एडीसर कंडीशन ना लगे। बरोबर, एचयूएफ में अगर आरओआई आता है तो उसके कर्ता को अपने चेक करेंगे कि क्या कर्ता जो है वो 10 साल में 2 साल, 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहता है कि नहीं रहता, उसके बेसिस को पर क्या होगा आरबीएनआर है कि आरओआर है का वो सब डिसाइड होगा। इसके बाद आता है फॉर्म आता है, बरोबर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह आता है, उसके अंदर क्या करने का, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा या पूरे का पूरा इंडिया में हुए तो आरओआई, ने पूरे का पूरा बाहर हुए तो एनआरआई, इसके अंदर एडिशनल कंडीशन ना लगा। बर उसके बाद लास्ट बात है कंपनी, कंपनी के दो पार्ट, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी आर ऑलवेज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आरओआई चाहे उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होता हुए, थोड़ा इंडिया में होता हुए या पूरे का पूरा बाहर होता हुए, इन ऑल सिचुएशन इंडियन कंपनी आर ऑलवेज आरओआई रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एडीसा कंडीशन यहाँ बजू भी ना लगे। बर फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के अंदर अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरे का पूरा इंडिया में होगा तो जो वो आरओआई होगी, थोड़ा बार या पूरे का पूरा बार होगा तो क्या हो जाएगी एनआरआई हो जाएगी। ये तुम्हारा यूनिट नंबर वन, उसके जो टॉपिक थे रेशन स्टेटस के वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद तुम्हारा कौन सा टॉपिक आता है, तो भाई ये जो भी है इंडियन इनकम है क्या फॉरेन इनकम है, बरे वो वाला टॉपिक है। तो उसके अंदर अपने क्या देखा था कि अगर इंडियन इनकम है, देख कोई का भी रेशन स्टेटस तुम चेक करोगे तीन तेरा आंसर आएगा, चौथे वाला कोई आंसर नहीं आएगा। भाई तीन आंसर तेरा क्या हो सकता है, का तो वो आर ओ आर हो सकता है, आर आर कब होगा जब बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हुए और एडीसा कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हुए तो आर ओ आर हो जाएगा। बट अगर सपोज समझो बेसिक सेटिस्फाई करता है, एडीसा सेटिस्फाई नहीं करता तो आरबीएनओआर, और अगर बेसिक सेटिस्फाई नहीं करता तो हम सबसे पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक सेटिस्फाई होगा तो एडीसा देखूंगा, बेसिक सेटिस्फाई नहीं होगा तो एनआरआई हो जाएगा। सो तीनों तीनों वाले ऑप्शन है, अगर आरओआई आएगा तो अगर आरओआई के बाद एडीसा लगाऊंगा, अगर एडीसा सेटिस्फाई होगा तो आरओआई हो जाएगा, सॉरी आरओआर हो जाएगा, एडीसर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आरबीएनओआर हो जाएगा। ये वाला सब भर तेरे को एक्सटर्नल के अंदर रेशन स्टेटस का क्वेश्चन आएगा, भर उसके साथ साथ तेरे को इनकम का तेरे को आएगा। भरे इनकम के अंदर क्या क्या तेरे को दिया आएगा, तो भाई इनकम के अंदर इंडियन इनकम होती है या फॉरेन इनकम होती है। फॉरेन इनकम किसको बोलते हैं, तो बाहर के पैसे तेरे को बाहर ही मिले, जैसे कि तुमने कनाडा काम करा कनाडा पैसा मिला, लंदन काम करा लंदन पैसा मिला, यूएसए काम करा यूएसए में पैसा मिला, बाहर का पैसा बाहर मिला, क्या हुआ फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम किसको कहते हैं, इंडिया में काम करा इंडिया में पैसा मिला, इंडिया में काम करा आउट ऑफ इंडिया पैसा मिला, या आउट ऑफ इंडिया काम करा इंडिया में पैसा मिला, तो ये इंडियन इनकम। इंडियन इनकम हुए आर ओ आर हुए आरबीएनओआर हुए एनआरआई हुए सबके लिए टैक्सेबल। अगर फॉरेन इनकम है आरओआर के लिए टैक्सेबल, पहले में आवे छेले में तो आवे ना, ने बीच में अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोला हुए तो आरबीएनओआर में लिखने का, सही है ना। बट अच्छा अब ये वाले जो सब हम लोग देखते हैं उसमें कौन से ट्रांजेक्शन नहीं देखते हैं, तो भाई हम खाली प्रीवियस ईयर के ट्रांजेक्शन देखेंगे, प्रीवियस ईयर को छोड़ के कोई भी ट्रांजेक्शन होगा नो एंट्री, सही है ना। या तो फिर तुम क्या करते हो पैसे वगैरह तुम क्या करते हो रेमिटेड करते हो ट्रांसफर करते हो। आज तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन दे दो कि पास्ट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 2002-2003 का, उसको तुमने अभी रेमिटेड करा, भाई प्रॉफिट था कब का 2002-2003 का ना, हमारे को उससे कोई लेवा देवा नहीं, हमारे को खाली प्रीवियस ईयर से लेवा देवा है, प्रीवियस ईयर का कितना उसकी बात कर, सही है। ट्वीट नंबर वन में इतना है एग्जम्प्टेड इनकम है, कौन सी है एक एग्जम्प्टेड इनकम है, बस वो एग्जम्प्टेड इनकम की पीडीएफ तुम्हारे को भेजता हूँ, पेम्पलेट तुम्हारे को दिया है पेम्पलेट निकालना।